नमस्ते दोस्तों, हैप्पीली वेज में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान, स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपीज। आज हम बनाने जा रहे हैं फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर का पुलाव। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इस रेसिपी के लिए सामग्री की सूची आप यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हमने यहाँ बासमती चावल को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोकर इसका पानी निकाल दिया है और इसे अलग रख दिया है। फूलगोभी के फ्लोरेट्स को हमने नमक के पानी में 10 मिनट तक रखा था और फिर इन्हें सादे पानी में धो लिया है। आप देख सकते हैं मध्यम आकार के फ्लोरेट्स हैं। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही थोड़ा सा खट्टा होगा तो पुलाव में अच्छा स्वाद आएगा। यहाँ पर अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट हमने तैयार रखा है। गोभी का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम गोभी को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं लगभग 4 से 5 टेबलस्पून तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल थोड़ा गर्म होते ही इसमें हम गोभी डाल देंगे। गोभी का रंग हल्का सा बदलने तक हम इसे फ्राई करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं गोभी का रंग हल्का सा बदल गया है। अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। हमने कढ़ाई में से तेल निकाल लिया है। अब हम इस कढ़ाई में घी डालेंगे। लगभग 3 से 4 टीस्पून घी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। घी थोड़ा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे काजू और इन्हें हल्का बादामी रंग आने तक फ्राई करेंगे। गैस की आंच मैंने लो पर रखी है ताकि काजू जले ना। आप देख सकते हैं काजू हल्के बादामी रंग के हो गए हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब हम घी में साबुत मसाले डालेंगे, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची। इन्हें हम लगभग 5 से 7 सेकंड फ्राई करेंगे और इसमें तुरंत बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। दोस्तों, प्याज को हम हल्के बादामी रंग का होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हल्के बादामी रंग का हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कम तीखी हरी मिर्च इस्तेमाल की है। इस पेस्ट को हम लगभग 30 सेकंड तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गैस की आंच मैंने धीमी रखी है। अब हम इसमें डालेंगे ये फ्राई की हुई गोभी। इसे हम घी में लगभग 15 से 20 सेकंड चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे चावल। दोस्तों, चावल को चलाते समय हमें ध्यान रखना है कि चावल के दाने टूटने नहीं चाहिए, तो हमें एकदम धीरे धीरे से इसे चलाना है। लगभग 1 मिनट तक हम चावल को चलाएंगे। अब हम इसमें गरम पानी डाल देंगे। दोस्तों, हम जितना चावल लेते हैं उसका 2 गुना हमें पानी लेना है। लगभग 1/4 कप एक्स्ट्रा गरम पानी आप रख सकते हैं ताकि आगे अगर आपको ज़रूरत लगे तो इस्तेमाल कर सकें। अब हम इसमें डालेंगे दही। हमने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस पुलाव में। साथ ही हम डालेंगे नमक और चीनी।
नमक और चीनी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पानी को टेस्ट कर लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि नमक या चीनी और डालने की ज़रूरत है या नहीं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी और चीनी डाल रही हूँ। दोस्तों, पानी को टेस्ट करते समय एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि नमक थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए पानी में, ताकि जब पुलाव तैयार हो तब उसमें नमक कम ना लगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम ढक्कन रख देंगे। दोस्तों, मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना भूल गई थी, तो अभी डाल रही हूँ। आप इसे नमक और चीनी के साथ डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर डालने से पुलाव में अच्छा कलर आएगा, साथ ही इसका स्वाद भी बढ़ेगा। लाल मिर्च पाउडर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका जो कलर है वो एक जैसा पूरे पुलाव में आ जाए। अब हम दोबारा ढक्कन रखकर इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। पुलाव पकते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा था, चावल को चलाते समय बहुत ही सावधानी से चलाना है, ताकि ये टूटे ना। पुलाव पकते हुए लगभग 12 मिनट हो गए हैं। हम इसे और एक बार चलाएंगे। आप देख सकते हैं, लाल मिर्च की वजह से पुलाव में अच्छा कलर आ रहा है। चावल को चेक कर लेते हैं। चावल थोड़े से कच्चे लग रहे हैं, हम इन्हें 2 मिनट और पकने देंगे। गैस की आंच हम धीमी रखेंगे। चावल को हमने और 2 से 3 मिनट पकने दिया है। पुलाव लगभग तैयार है। हम एक बार चावल दोबारा चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं, चावल अच्छी तरह से पक गए हैं। गोभी पुलाव तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए काजू और ऊपर से शो के लिए कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं। गैस बंद करने के बाद हमने पुलाव को लगभग 5 मिनट तक ढक कर रखा था। अब हम पुलाव को एक फोर्क की सहायता से ऊपर नीचे करेंगे। इस तरह से चावल एकदम खिले खिले होंगे। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि पुलाव तैयार होने के बाद लगभग 5 मिनट तक इसे ढक कर रखें, वरना चावल टूट सकते हैं। दोस्तों, ये पुलाव फटाफट तैयार हो जाता है और बेहद स्वादिष्ट बनता है। आप इसे दाल फ्राई या रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, या इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।